हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को 38 साइज कुर्ती सिलाई करके दिखाऊंगी। ये मैं पिछले वीडियो में काट किया है। तो फ्रेंड्स, छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप अभी भी चैनल में न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, मैंने फ्रंट साइड की तरफ से सिंपल सा डिजाइन यहाँ पर काट किया है। तो इस डिजाइन का नेक को सिलाई करने के लिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से एक छोटा सा फेब्रिक लिया है और इसको देखिए इस तरीके से रखूँगी। तो फिर देखिए, यहाँ पर इस फैब्रिक को यहाँ से काट कर लेना है और काट करने के बाद यहाँ पर छोटा छोटा काट लगा देना है। 2 से 3 इस तरीके से छोटा छोटा काट लगाना है। उसके बाद फिनिशिंग का सिलाई लगाऊंगी। फिनिशिंग की सिलाई के बाद इसको उल्टा साइड की तरफ से पलटना है। देखिए इस तरीके से उल्टा साइड की तरफ से पलटने के बाद यहाँ पर ऊपर से एक सिलाई लगा दूंगी। तो यहाँ पर देखिए, इस नेक को इस तरीके से मैंने यहाँ पर सिलाई किया है। देखिए फिर यहाँ से इसमें से जो भी फैब्रिक एक्स्ट्रा है इसको हम काट कर लूँगी। यहाँ पर हम जैसे कि फोल्डिंग करके सिलाई करने के बाद हाफ इंच रहो, इसी तरीके से यहाँ पर फैब्रिक को रखना है। देखिए यहाँ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको काट कर लूँगी। फिर देखिए यहाँ से इस तरीके से इसको उल्टा साइड की तरफ से फोल्डिंग करके सिलाई कर लूँगी। फोल्डिंग इतना टाके करना है जैसे कि हाफ इंच रहो, इतना टाके यहाँ पर फोल्डिंग करना है, उससे ज़्यादा फोल्डिंग नहीं करना है। अगर उसमें ज़्यादा फैब्रिक हो रहा है तो फिर से थोड़ा सा काट कर देना है। ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर सिलाई कर लिया है। उसके बाद हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को ज्वाइन कर लूँगी।
बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट ज्वाइन कर लिया है, उसके बाद सिलाई करूँगी नेक पुट्टी। फिर नेक से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक मिलता है यहाँ से भी काट कर देना है। इसमें भी ज़्यादा फैब्रिक नहीं रखना है, इसको उल्टा साइड की तरफ से फोल्डिंग करके सिलाई करने के लिए यहाँ पर ज़्यादा फैब्रिक रखने का ज़रूरत नहीं है। ये देखिए नेक को भी सिलाई कर लिया है, इसको मैंने उल्टा साइड की तरफ से फोल्डिंग करके सिलाई किया है। उसके बाद सिलाई करूँगी स्लीव। स्लीव को देखिए मिडल बराबर रखकर सिलाई करना है। तो स्लीव का मुहूरी के साइड की तरफ से यहाँ पर देखिए इस तरीके से फोल्डिंग करके सिलाई करूँगी। यहाँ पर मैंने दो फोल्डिंग करके सिलाई करूँगी। यहाँ पर दोनों साइड की तरफ से स्लीव सिलाई कंप्लीट है। उसके बाद हम इसके फिटिंग स्नैप लूँगी। ये देखिए मैंने फिटिंग स्नैप ले लिया है, ये 30 साइज के हिसाब से मैंने यहाँ पर फिटिंग स्नैप ले लिया है। तो अभी देखिए जहाँ से मैंने चौक का निशाना दिया है वहाँ से हम फिटिंग्स लगाऊंगी। एक साइड को देखिए मैंने स्लीव से सिलाई कर रही हूँ। तो यहाँ से देखिए हाफ इंच का लगभग और एक सिलाई लगाना है।
ये देखिए जो हाफ इंच का लगभग का सिलाई को बाहर की तरफ से ही देना है, जो चौक का निशाना दिया है उसी से बाहर की साइड की तरफ से ही लगाना है। तो अभी देखिए एक साइड को तो स्लीव से हमें सिलाई किया है, दूसरा साइड को देखिए यहाँ पर स्लीव को इस तरीके से बिल्कुल आर्म होल को बराबर मिलाकर यहाँ पर हिप से सिलाई करूँगी। देखिए फिर देखिए यहाँ पर ओपन साइड को सिलाई करना है, इसके लिए यहाँ पर हल्का सा हम फैब्रिक को काट कर लूँगी, इसमें ज़्यादा फैब्रिक दिखाई दे रहा है तो दोनों साइड की तरफ से इस तरीके से हल्के से काट लगा लूँगी। तो ये देखिए इसमें से ओपन साइड है, दोनों साइड की तरफ से ये ओपन है देखिए। तो यहाँ से हम फोल्डिंग करूँगी, यहाँ पर देखिए जो हिप है उतना तक यहाँ पर मिलाकर फोल्डिंग करना है। तो यहाँ से इस तरीके से हम फोल्डिंग करूँगी। एक बार ध्यान रखना है इस सिलाई के टाइम में फैब्रिक को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, बिना खींचे फैब्रिक को सिलाई करना है। तो जहाँ पर देखिए हिप का मेजरमेंट जहाँ से लिया है वहाँ से देखिए थोड़ा सा सिलाई में दिक्कत होता है, उसमें देखिए थोड़े हल्के हाथ से सिलाई करना है, इसमें दोनों साइड की तरफ से बराबर इस तरीके से मिलाकर सिलाई करना है। देखिए इसमें बिल्कुल हल्के हाथ से सिलाई करना है, इस सिलाई में कपड़ा को बिल्कुल भी खींचना नहीं है। ये देखिए एक साइड की तरफ से सिलाई कर लिया है, उसके बाद देखिए दूसरा साइड की तरफ से भी सेम तरीके से सिलाई करूँगी और यहाँ से इस तरीके से इसको भी फोल्डिंग करके सिलाई लगाऊंगी। देखिए एक साइड में जिस तरीके से सिलाई किया है यहाँ भी उसी तरीके से यहाँ पर सिलाई होगा। यहाँ पर देखिए दोनों साइड की तरफ से सिलाई कंप्लीट है, उसके बाद देखिए यहाँ से साइड से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक मिलता है इसको हम काट लगा लूँगी। थोड़ा थोड़ा काट लगाना है यहाँ से इस तरीके से मिलाकर। ये देखिए 38 साइज कुर्ती सिलाई पूरा पूरी कंप्लीट है और ये ओपन साइड है। देखिए ये दोनों साइड की तरफ से ही रहेगा। तो ये देखिए इसका फिटिंग्स किस तरीके से आया है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आने से वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।